अरे कृष्णा, तो आज सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबको मैं विशेष एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम इस क्लास को जो आप अभी यूट्यूब में अभी देख रहे हैं उसको मैं चाहता हूँ कि जूम पे लाइव करें शाम को, ताकि हम उसमें प्रश्न भी आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब लाइव चलेगा, यानी आपका भी चेहरा उसमें, मतलब जब आप प्रश्न पूछेंगे तो वो भी दिखाई देगा, और इस प्रकार से हम फेस टू फेस रोज़ मिल सकते हैं। आपको हम देख पाएंगे, हमको आप देख पाएंगे, और आप प्रश्न पूछ पाएंगे और उस प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं। और इस तरह से हम जूम पे करना चाहते हैं, और जूम के साथ साथ यूट्यूब में भी लाइव होगा, दोनों एक साथ होंगे। यूट्यूब पे भी होगा, जूम पे भी होगा, एक ही साथ में। पर जो जो जूम पे आ सकते हैं जूम पे ज़रूर आएँ। तो ये रोज़ शाम को मैं करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शाम को हम 4 बजे ही रखें इस क्लास को, कि उसका समय परिवर्तित करके हम 6 से 7 रखें या 7 से 8 रखें। शाम को 6 से 7 बजे या 7 से 8 बजे, या उसी समय पर रखें यानी 4 से 5 जो हम रोज़ पहले से करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप सब जो बोलेंगे। आप अगर चाहते हैं कि 4 से 5 ही रखें तो 4 से 5 ही रखेंगे, अगर 6 से 7 बोलेंगे तो 6 से 7 रखेंगे, अगर 7 से 8 कहेंगे तो 7 से 8 भी हम कर सकते हैं। लेकिन और लेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्योंकि 7 से 8, 8 के बाद तो फिर हमको थोड़ा सा विश्राम करने का समय नज़दीक आ जाता है, इसलिए हम 7 से 8 लास्ट होगा। तो ये 3 विकल्प हैं। इन 3 विकल्पों में से आपको जो भी सही लगे, इस वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें कि आप 4 से 5 चाहते हो, या 6 से 7 चाहते हैं, या 7 से 8 चाहते हैं शाम को। तो ये आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि उस हिसाब से हम तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भगवद गीता का 12वें अध्याय के हमने 14 श्लोक तक हमने कल चर्चा कर लिया था। आज 15वां श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक 6 श्लोक बचे हैं, वो भी हम कर लेंगे। उससे पहले
कल जो हमने चर्चा किया था उसका थोड़ा संक्षिप्त में हम समराइज करेंगे उसको। कोई कहना चाहते हैं कुछ? कल का चर्चा क्या हुआ था? भगवान बोलते थे कि मुझमें अपना मन और बुद्धि लगा के आप लगाइए, उससे आप मुझे निसंदेह प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर अगले श्लोक में बोले कि अगर ये नहीं कर सकते तो फिर भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना है, उसके माध्यम से आप कर पाते हैं, कर सकेंगे। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर बोले थे कि कृष्ण भावना भावित कर्म करें, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर जो कर्म फल है उसको त्याग करें, ये बताया था। और उसके बाद फिर भक्त की क्वालिटीज़ बताई थी कि भक्ति की क्वालिटी सर्व। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कर्म के फलों को त्याग करना मतलब आत्म स्थिर होने का प्रयास करना, मतलब दान देना वगैरह। कर्म के फलों का त्याग करना मतलब दान देना। कर्म के फल का त्याग करना मतलब हाँ, और लेकिन उसमें अभी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाए, मतलब वो वाले आंसर से आपके कि जो कॉन्ट्रडिक्ट हुआ था ना कि अपने कल का हाँ, और अच्छा मैं उसको शुरुआत में वही समझाने वाला हूँ। पहले आप सबसे सुन लूँगा फिर उस पॉइंट पे मैं आऊँगा वापस। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? तो ये बताने के बाद भगवान बोले कंक्लूजन दे रहे अभ्यास योग से ज्ञान श्रेष्ठ है, साधन भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। साधन भक्ति से नहीं, अभ्यास। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल की जो त्याग है वो श्रेयस्कर है। और भक्तों के लक्षण के बारे में बताना शुरू किया था। अच्छा, कल का एक प्रश्न का जवाब अभी देना बाकी है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। और एक पॉइंट और भी बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सुंदर पॉइंट है ये, मेरा रियलाइजेशन आप कह सकते हैं, छोटे से रियलाइजेशन। सबसे पहले कल का प्रश्न ये था, ऐसा लगता है कि ये परस्पर विरुद्ध है, जैसे जो भगवान ने श्लोक नंबर 8 से लेकर 11 तक जो बताया था, और फिर 12वें श्लोक में जो बताया, ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बोले थे कि आप मन मुझ में लगाओ हमेशा निरंतर, नहीं कर सकते हो तो साधना करो, यानी अभ्यास करो, वो नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो, और वो भी नहीं कर सकते हो तो फल की कर्म फल को त्याग करो। तो यहाँ प्रायोरिटी पहले किसको दिया था? अभ्यास को दिया था, मतलब सबसे पहले तो भगवत भक्ति को दिया था, उसके बाद अभ्यास को दिया था, और उसके बाद ऑप्शन दिए थे कि अगर वो नहीं कर सकते हैं तो मेरे लिए कर्म मत कर्म, और मत कर्म भी नहीं कर सकते हो तो कर्म फल त्याग। पर 12वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्मफल त्याग। तो जैसे कि कर्मफल त्याग सबसे आगे है और अभ्यास पीछे है, और वहां लग रहा है कि अभ्यास आगे है और कर्मफल त्याग पीछे है, लग रहा है ना। तो इसका जवाब ऐसा है, प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बताते हैं वो भक्ति, शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से बताते हैं, और भगवान जो शास्त्र में बताते हैं, डायरेक्ट गीता में जो भगवान की जो उक्ति है संस्कृत में, वो भगवान है इसलिए वो भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं, कहते हैं कि सिर्फ मेरी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है वो तो बोलते हैं, लेकिन भक्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है मुझे प्राप्त करने का, ऐसा नहीं बोलते। जैसे हमने पहले देखा था कि इवन वो उन्होंने बोला कि जो निराकार का उपासना करते हैं वो भी मुझे प्राप्त करते हैं भले, लेकिन ये बोले उसके बाद कि वो मार्ग बहुत कठिन है और उसमें गति भी दुख है और बहुत मुश्किल है, बहुत समय भी लगेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है,
और मेरे भक्तों को मैं जल्दी उद्धार करता हूँ, इसका एडवांटेजेस बताए थे भगवान ने, भक्ति का एडवांटेजेस बताया और निराकार का डिसएडवांटेजेस भी बताए थे, है ना। एक्सक्यूज मी, लेकिन लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई गति गति नहीं है। एक्सक्यूज मी, गिव मी सम। तो यहां पर जब भगवान बोलते हैं अभ्यास अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय, 9 नंबर श्लोक में अभ्यास योग के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान अभ्यास योग के बारे में बता रहे हैं 9 नंबर श्लोक में। तो ये अभ्यास योग क्या है? अभ्यास योग उसी को दूसरे तरीके से बोले योग अभ्यास, योग के अभ्यास है ना। और योग में कई प्रकार का है, कर्म योग हो सकता है, अष्टांग योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है और भक्ति योग भी हो सकता है। तो अभ्यास योग तो किसी भी योग पद्धति का अभ्यास करना, सीधी सी बात है अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन में जाओगे तो योग के अभ्यास करना, अगर आप कर्मयोग कर रहे हो तो कर्मयोग के अभ्यास करना, ज्ञान योग कर रहे हो तो ज्ञान योग के अभ्यास करना, जो भी, तो इसको बोल रहे हैं। अगर मन मुझ में हमेशा नहीं लगा सकते हो, वो तो पहला ऑप्शन है, मैं ये मन आदत सो मई बुद्धि निवेश है, अपनी बुद्धि और मन को मेरे अंदर लगाओ, अगर वह नहीं कर सकते हैं तो अभ्यास योग करो। लेकिन हम क्योंकि भक्ति योग के मार्ग में हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो वो अभ्यास योग जो शब्द है उसको प्रभुपाद जी ने कैसे ट्रांसलेट किया, साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन वगैरह जो भगवान का नाम लेते हैं, जो 9 विधा भक्ति है 64 अंग वाली जो हम करते हैं, तो उसको प्रभुपाद जी ने ऐसा ट्रांसलेट किया। लेकिन जनरली जो अभ्यास योग का मतलब कर्मयोग हो या ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, उसके अभ्यास, उस अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ ही होगा, उस अभ्यास से, साधारण रूप से योग अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अभ्यास में है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, वो अभी परफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है ना, अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब आप अभी उसमें पक्व नहीं हुए ना, तो जिसमें जो व्यक्ति पक्व नहीं हुआ है उस व्यक्ति से पक्व व्यक्ति तो श्रेष्ठ ही होगा। तो ज्ञानी यानी जिसको ज्ञान है वो तो श्रेष्ठ ही है, और ज्ञान जब सिद्ध हो जाता है यानी आप अब समझ जाते हैं कि परमात्मा कौन है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं। तो ज्ञान के आगे क्या है, ध्यान है, है ना। और ध्यान जब यानी सिद्ध होता है तो तब क्या होता है, भौतिक आसक्ति से छूट जाते हैं, कोई भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छा, कामना, मटेरियल डिजायर सब खत्म हो जाता है, तो वही कर्मफल त्याग का मतलब है। तो इस तरह से भगवान ने समझाया कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं तात्पर्य में अगर देखेंगे, 12 नंबर श्लोक के तात्पर्य में अगर देखेंगे, तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति साधना भक्ति नहीं कर सकता है उसके लिए ज्ञान मार्ग है। ये तो ऐसा लगता है कि भगवान जो बोल रहे हैं उसका विपरीत है, भगवान तो ये बोल रहे हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, यानी अभ्यासात का मतलब अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जो साधना भक्ति नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान है, तो वो ये बोल रहे हैं कि साधना भक्ति श्रेष्ठ है ज्ञान से, क्योंकि ये इसलिए आ गया है क्योंकि ये साधना भक्ति के बारे में कर रहे हैं, साधारण कोई भी योग अभ्यास की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ साधना भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए वहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, असल में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। प्रभुपाद जी भक्ति के दृष्टि से बता रहे हैं, अभी मैं उसके समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। मान लीजिए फल है, फलों का राजा कौन है, आम है, आम सबसे श्रेष्ठ फल है ना, तो आम तो थोड़ा महंगा भी होता है, वही अमरूद थोड़ा सस्ता होता है कि नहीं,
और वो मिल जाता है आसानी से, तो टेस्ट में भी बहुत फर्क है। लेकिन अभी आप कंपेयर करेंगे कि एक पक्का अमरूद है, पक्का अमरूद, और एक कच्चा आम है। कच्चा आम है ये, है तो आम लेकिन कच्चा है, और वो अमरूद है लेकिन पक्का है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों में कौन श्रेष्ठ, कौन सा बेटर है, आप क्या बोलेंगे? अमरूद है, ऐसा बोलेंगे ना? क्यों? क्योंकि वो पक्का है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे नहीं, आम ही श्रेष्ठ है क्योंकि अभी कच्चा है लेकिन दो दिन में पक जाएगा, तो ये श्रेष्ठ है। ये प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण है। और भगवान जो कह रहे हैं वो ऐसा है कि अमरूद है लेकिन वो पका है इसलिए वो श्रेष्ठ है। अब जो आपने जो बोला था, क्योंकि जो ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति जिसको ज्ञान है वो तो अभ्यास करने वाले से तो श्रेष्ठ ही होता है ना, इसलिए श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन जो भक्ति की अभ्यास कर रहा है, शुद्ध भक्ति के अभ्यास कर रहा है, तो वो एक दृष्टि से देखा जाए कि भले वो अभी पक्व नहीं है लेकिन वो कौन से मार्ग में है, कौन सा मार्ग में है? शुद्ध भक्ति का मार्ग में है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि भी हो सकता है कि भक्ति में आ रहा है, वो हो सकता है कि भगवद्गीता के सारे श्लोक नहीं याद किए हो, उसको इतना शास्त्रों की इतनी ज्ञान ना हो, लेकिन विश्वास है भगवान के ऊपर और भक्ति के मार्ग में वो गुरु के मार्गदर्शन में लगा हुआ है, तो अभी पक्व नहीं है। लेकिन कोई ज्ञानी को ले लोगे तो ज्ञानी तो बहुत ज्ञान में आगे है, 108 उपनिषद पढ़े होंगे और 18 पुराण पढ़े होंगे, वेदांत सूत्र पढ़े होंगे, बहुत कुछ किया होगा, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो वो पक्व है, वो श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्ति की दृष्टि से तात्पर्य में बता रहे हैं कि यद्यपि ये पक्व नहीं है लेकिन ये शुद्ध भक्ति का मार्ग में है, उसके लिए एक और सुंदर उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का मालिक है, ठीक है ना, उनका एक पोता है, मान लो अभी उम्र में बहुत छोटा है, 10 साल का है, तो अभी तो छोटा है, अभी स्कूल में पढ़ता है, तो उस समय पर क्या उसको श्रेष्ठ मानेंगे या अंबानी जी के कंपनी में जो बड़े ऑफिसर हैं उसको श्रेष्ठ मानेंगे? आप बताइए, अंबानी जी कंपनी का सीईओ है या कोई बहुत बड़े पद पर है, कोई मैनेजर है, हाँ, वो श्रेष्ठ है या उनका पोता श्रेष्ठ है? सीईओ श्रेष्ठ है, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर है और वो पैसे कमा रहा है, हाँ। लेकिन ये जो बच्चा है, ये जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये ओनर बनेगा, तो तब वो भी इनके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो एम्प्लॉय श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरी दृष्टि से ये ही श्रेष्ठ है। वो एम्प्लॉय भी जानता है अभी ये बच्चा है लेकिन कल जाके वही बॉस बनेगा, उन्हीं के अंडर में हमें काम करना होगा। तो ये ऐसा भक्ति में जो भगवान की शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, वो भले अभी पक्व ना हो, हाँ, लेकिन वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है। तो इसीलिए कई शास्त्रों में ये भी बताया जाता है कि जो साधना भक्ति कर रहा है वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और योगी और सिद्ध पुरुषों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भले ज्ञानी योगी सिद्ध पुरुष हैं लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति भले उसमें वो सब नहीं है लेकिन वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, पक्वा होकर उनसे भी आगे जाएगा। समझ गया ना? ये है, इस तरह से रिजॉल्व हम कर सकते हैं उस श्लोक और तात्पर्य को, ठीक है, ओके। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नहीं है लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा पहले कि 8 से 11 श्लोक तक जो सीक्वेंस बताई गई है, मैं ये मना आधत सो मई बुद्धि निवेश है, मेरे अंदर अपने मन और बुद्धि लगाओ सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन है निरंतर, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अभ्यास योग करो, अभ्यास योग, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अर्थचित्तम नमा समाधातुम न शक्नोषि मैस्त्रम, वो तो हो गया। उसके बाद अभ्यास है समर्थ से मत कर्म परम भव, मतलब मेरे लिए कर्म करो, और वो भी नहीं कर सकते हो तो कर्मफल का त्याग करो। ये जो 4 स्टेजेस हैं ये किस आधार पर डिसाइड किया जाता है?
किस आधार पर? यानी जो फर्स्ट ऑप्शन लेगा उसमें क्या चीज ज्यादा है और जो लास्ट ऑप्शन ले रहा है उसमें क्या चीज कम है, किस आधार पर ये चार स्टेजेस तय किया गया है? या फिर भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये पहले वाला सबसे बेस्ट है, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद ये चौथा? किस आधार पर भगवान ने इसे कैटेगराइज किया है? जो चार वर्ण आश्रम में शायद उस पर उनके जो कार्य हैं, नहीं उनके कार्य के बेसिस पे। वर्णाश्रम से मतलब नहीं, कोई गृहस्थ होकर भी निरंतर भगवान पे मन लगा सकता है, कोई सन्यासी होकर भी हो सकता है कि नहीं लगा पाए, ऐसा नहीं। इसमें मतलब भगवान जितना मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान मतलब भगवान पे लग सकता है वो अल्टीमेटली भक्ति, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, एक शब्द में कहा जाए श्रद्धा। श्रद्धा के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर ये तय किया गया है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको बहुत ज्यादा श्रद्धा विश्वास भगवान पर, श्रद्धा का मतलब क्या है, भगवान पर पूर्ण विश्वास और उसकी जो लेवल्स है विश्वास के लेवल्स, तो जितना आपको भगवान पर श्रद्धा है, अगर पूर्ण श्रद्धा है तो आप निरंतर भगवान पर मन लगाएंगे, अगर उतना श्रद्धा नहीं है लेकिन श्रद्धा स्ट्रांग है मध्यम अधिकार है वो अभ्यास योग, और उतना भी नहीं थोड़ा और कम है तो उनके लिए कर्म करोगे, और फिर भी और भी बहुत कम श्रद्धा है तो कर्म फल को त्याग करोगे, ऐसा। ठीक है, श्रद्धा के आधार पर। ठीक, तो ये कैटेगराइजेशन है, और हम जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी हम और आगे के स्टेज में पहुंच जाएंगे, तो ये चीज़ है। ओके, सो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, मेन पॉइंट जो मैं कहना चाहता था कि हमारी श्रद्धा जो है हमको हमेशा ऑब्जर्व करना है, इसी को हम 17वें अध्याय से कनेक्ट करते हैं। 17वें अध्याय में क्या बोला था भगवान ने, तीन प्रकार का श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर लेकिन भक्ति में जो श्रद्धा है वो कौन सा श्रद्धा है? सात्विक नहीं, शुद्ध सात्विक, यानी तीनों गुणों से परे है, एक्चुअली तीनों गुणों से दिव्य श्रद्धा है असल में। तो हमारी श्रद्धा कौन सी है, सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है कि दिव्य श्रद्धा है, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हम इनमें से कौन से लेवल पे हम फिट होते हैं। कई बार क्योंकि किसी को दिव्य श्रद्धा है तो इतना नहीं सोचेगा भगवान की भक्ति करने में। मान लीजिए कोई बहुत दिव्य श्रद्धा है, उसके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस्कॉन में जिनके बहुत बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, IIT जैसे बहुत बड़े कॉलेज से भी पढ़े हैं, अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं और अच्छी जॉब कर रहे थे, वो भी छोड़ के फुल टाइम भक्ति में आ गए, और इस्कॉन से कोई सैलरी या कोई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखते हैं, ऐसा फुल लाइफ डेडिकेट कर दे, इसका मतलब क्या, उनकी श्रद्धा बहुत हाई है और सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, राइट, दिव्य श्रद्धा है। और किसी की ऐसी श्रद्धा नहीं है तो वो सोचेगा कि अभी तो ठीक है, अभी सेवा कर रहा हूँ, कल मान लो इस्कॉन ने मुझे भगा दिया तो तब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा बुढ़ापे में, क्या होगा, कौन देखेगा मुझे, मतलब उसकी श्रद्धा दिव्य स्तर पर नहीं, थोड़ा सा राजसिक श्रद्धा है उसको, उसको यह है विश्वास भगवान पे जितना है उससे ज्यादा विश्वास उनको पैसे पे है, पैसे पे है, पैसे, परिवार, अपना लोग होना चाहिए, अपने परिवार होना चाहिए, अपने अपने पैसे होना चाहिए, उस पर श्रद्धा ज्यादा है, यानी वो राजसिक श्रद्धा में है उसका। तो जो राजसिक श्रद्धा में है वो उसका दिव्य श्रद्धा नहीं है अभी, तो उसके लिए मत कर्म परम भवा, जो कर्म कर रहे हो वो मेरे लिए करो तुम सर, ठीक है। और कुछ लोग तामसिक श्रद्धा में है, दूसरों को हिंसा करना, द्वेष करना, उसको खत्म करना है पड़ेगा ऐसा करना, और निद्रा आलस्य प्रमाद हो। तामसिक श्रद्धा कैसे हो सकती है, तामसिक श्रद्धा कैसे हो सकती है, तामसिक श्रद्धा का भी बताया भगवान ने 17वें अध्याय में, क्या बताया तामसिक श्रद्धा का डेफिनेशन, उस श्लोक देख लेते हैं एक बार। एक तो भूत प्रेतों पे उनका विश्वास रहता है, प्रेतान भूतगणांश चान्य यजन्ते तामसा जना,
तामसिक श्रद्धा उनको मतलब श्रद्धा भगवान के प्रति ना होती, भूत प्रेतों पे रहता है, और वो लोग ऐसे कर्म करते हैं ना, जैसे उसको क्या बोलते हैं, दूसरे लोग को खत्म करने के लिए कुछ तांत्रिक वो पूजाएं होते हैं ना, हाँ उसको मतलब अपने शत्रु को खत्म करने के लिए जो होता है वो पूजा करने से वो आदमी खत्म हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसा चीजें है हमारे साउथ में तो, और बहुत ज्यादा है वो लोग कहीं भूत प्रेतों को या वश में करके वो करते हैं, कोई एक एक खिलौना जैसा कुछ रखते हैं उसको, आप जो भी करोगे उस व्यक्ति को ऐसा हो जाता है, उसको अगर ऐसा पोक करोगे तो वो व्यक्ति को भी ऐसा कुछ चुभ जाता है, उसका हाथ तोड़ दोगे तो उसका हाथ टूट जाता है, ऐसा ऐसा कुछ चीजें नहीं सही में होता है, वो चीजें हैं ऐसे तामसिक, वो तामसिक श्रद्धा है। और तामसिक श्रद्धा का और क्या बताया यहाँ पर, जो मानते हैं अशास्त्र विहितम हो घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, मतलब जो शास्त्र विहित नहीं है वो तो तपस्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से तो तामसिक श्रद्धा है वो तो नाश करने का, ये उनका श्रद्धा ऐसा है कि दूसरा आदमी खत्म होगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वो जब तक जिंदा रहेगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे आगे बढ़ना है तो पहले उसको खत्म करना है, ये तामसिक श्रद्धा आप कह सकते हो। राजसिक श्रद्धा ऐसा है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो वो आदमी बहुत पावरफुल है उसको पकड़ना है, भले वो बदमाश हो लेकिन उसको खुश करो, उसका चमचागिरी करो क्या बोलते हैं, वो आपको आगे ले जाएगा है ना, तो ये जो विचार है ये राजसिक श्रद्धा है, क्योंकि उसको विश्वास भगवान पर नहीं है, उसको विश्वास किस पर है, कोई पावरफुल इंसान पर है कि ये इंसान मंत्री है, कोई वो है, एस्कॉन में जीबीसी है तो ऐसा मतलब उस व्यक्ति पर हमें श्रद्धा है ना कि भगवान पर है। हाँ वो व्यक्ति शुद्ध भक्त होगा तो श्रद्धा होना चाहिए उस पर, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति के शुद्ध भक्ति के कारण नहीं पर उनके जो मटेरियल पावर है उसके कारण अगर हम उस पर श्रद्धा कर रहे हैं ना कि उतना भगवान पर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपका राजसिक श्रद्धा है। और सात्विक श्रद्धा मतलब देवताओं के ऊपर, अरे कृष्ण को बहुत प्रार्थना कर लिया यार, वो तो हमारा बात सुनता ही नहीं है, चलो गणेश जी के पास जाते हैं हमारा काम हो जाए तो ये हो सात्विक श्रद्धा, लेकिन किसी भी हालत में भगवान को नहीं छोड़ना, ये शुद्ध सात्विक श्रद्धा है। जैसे राम जी जंगल में चले गए, उनका राज्य खो गया, उनकी पत्नी को कोई लेके चले गए, पागल होकर भटक रहे, तब भी लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने उनको नहीं छोड़ा, ये शुद्ध सात्विक श्रद्धा है। ऐसा नहीं कि अभी वो खुद अपनी बीवी को नहीं बचा पा रहा है, बचा पाया, और अपना खुद का राज्य नहीं बचा पाया, उसके साथ कौन रहेगा, अच्छा होगा कि रावण के साथ ही रहे थोड़ा पावरफुल है वो तो इंद्र को भी जीत लिया, थोड़ा हमारा काम आएगा ये जो है ऐसा नहीं सोच, शुद्ध सात्विक। रावण ने बहुत सारे स्त्रियों को लाया, वही सीता जी के मन में डाला, अरे राम क्या भटक रहे जंगल में, वो कहाँ आएगा, वो क्या करेगा, मैं देखो लंकेश हूँ, सिर्फ त्रिलोक नाथ होंगी, मेरे पास आ जाओ, आपको मतलब आपको ही पटरानी बनाऊंगा मैं। ऐसा कोशिश किया कि उनके अंदर कुछ तामसिक श्रद्धा जगा दे, लेकिन सीता जी तो ऑफकोर्स, तो कहने का मतलब ये है कि ये समझ गए ना, तीन प्रकार की श्रद्धा, और इसी आधार पर ये विचार किया जाता है। हमको यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हमें कोशिश करना चाहिए श्रद्धा दूसरी चीजों पे नहीं, पर भगवान पे, भक्ति मार्ग पे श्रद्धा लाएं, ना कि किसी भौतिक व्यक्ति पर, कोई भौतिक व्यवस्था पर, या अपने बलबूते पर, हाँ, या कोई पैसे पर, कोई परिवार पर, कोई भौतिक चीजों पर जो श्रद्धा है उससे ज्यादा हमारी श्रद्धा भगवान पे होना चाहिए। हाँ वो भी हो सकते हैं, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं पैसे मत कमाओ या ऐसा नहीं बोल रहे, अभी हमारा श्रद्धा है उस पर, लेकिन हमारा श्रद्धा भगवान पर और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, उन चीजों पर जितनी श्रद्धा है उससे ज्यादा भगवान पर होनी चाहिए। अगर भगवान आपके साथ हैं तो पूरा जगत भी खिलाफ होकर भी
आप जीत जाओगे। उसके लिए कोई उदाहरण है? हाँ, 70 साल की उम्र में क्या था उनके पास? ना एक शिष्य था, एक भी शिष्य नहीं थे। उनके गुरु भाइयों को सबको लिख लिख के थक गए प्रभुपाद जी की आप हमें हेल्प भेजो हेल्प भेजो। किसी ने नहीं भेजा एक भी व्यक्ति को। और बहुत सारे लोगों को पूछा, आपके 5 बच्चे हैं, एक लड़का भगवान की सेवा में दे दो, कोई नहीं दिए। इंडिया में बहुत प्रचार कर करके घूम घूम के 40 साल ऐसे ही चले। तब उनको समझ में आया कि मुझे विदेश में जाना, हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि पाश्चात्य 70 साल की उम्र में 40 रुपये लेकर जाते हैं, वहाँ किसी को पहचानते भी नहीं। गए पार्क्स में बैठे, इधर उधर बैठे, थोड़ा धीरे धीरे करके ले जाओ। हाँ, तो इस तरह से वो श्रद्धा भगवान पर करना था, और उस श्रद्धा से क्या हो गया, पूरे जगत गुरु हो गए। उनको ये लगा कि 1-2 साल वो बोले मैं मर जाऊंगा तो गुरु की सेवा करते करते अमेरिका में ही मर जाऊंगा, ऐसे सोच के गए। और वो बोले थे कि पहले 1 साल हर रोज वो शिपयार्ड के पास जाते, इंडिया जाने की शिप कब आएगी, ऐसे सोचते थे, पूछते थे, पूछताछ करते थे, लेकिन गए नहीं। शुद्ध सात्विक श्रद्धा ऐसी को बोलते हैं। और कोई उदाहरण है? प्रहलाद महाराज, बहुत सारे उदाहरण हैं। उनके पिताजी खुद उनके खुद अपने पिता उनको मारना चाहते हैं, कोई कौन बचाएगा? ऐसा शुद्ध सात्विक श्रद्धा, श्रद्धा भगवान पर हो तो सब खिलाफ हो तो भी आप जीत जाओ। चलो, तो अभी 13वें श्लोक से, हाँ 15वें से करेंगे। 13वें श्लोक से भगवान ने भक्तों के, उनके प्रिय भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं, कैसे भक्त उनको प्रिय होते हैं। हमारे जैसे भक्त प्रिय नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मेरे अंदर ऐसे क्वालिटीज नहीं है। आप लोग हो सकते हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं है। जैसे अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी को द्वेष नहीं करता है। मैत्र करुणा एव च, सभी के साथ मित्रता व्यवहार करता है, सभी को अपना मित्र समझता है। करुणा एव च, करुणा दया दिखाता है। निर्ममो, ममत्व नहीं है। निरहंकार, अहंकार नहीं है। सम दुख सुख, सुख और दुख में समान है। क्षमी, क्षमा करता है। संतुष्ट, सततम हमेशा संतुष्ट है। योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय है। यतात्मा प्रे, हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। दृढ़ निश्चय, हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ रहता है। मय्यर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि पूरी तरह से मुझे समर्पित है। यो मत भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। जब हमारी दिव्य श्रद्धा भगवान पर जगती है तो धीरे धीरे ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगे। यस्मान्नो द्विजते, हाँ तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः, मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात्, यानी जिससे, न उद्विजते, उद्विजते मतलब उद्विग्न होना, उद्विग्न होना है ना, हिंदी में शब्द है ना उद्विग्न, तो यहीं से संस्कृत का उद्विजते, और संस्कृत का ही शब्द है उद्विजते, यानी कोई उद्विग्न नहीं होता है, उससे कोई दूसरे व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता है। उद्विग्न का मतलब है चिंतित, चिंतित परेशान, भयभीत, भयभीत हुआ या चिंतित हुआ, परेशान हुआ, उद्विग्न। किसी यानी भक्त से कोई दूसरे व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता है, और किसी दूसरे व्यक्ति से वो भी उद्विग्न नहीं होगा। लोकान्ना नो उद्विजते चयः, लोकात् यानी दूसरे लोगों से भी वो उद्विग्न नहीं होता है। किसी से वो डरता नहीं है, किसी से परेशान नहीं होता है, और वो भी किसी को डराता नहीं और परेशान नहीं करता। हमारा हेमंत प्रभु बेस्ट एग्जाम्पल है। वो किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी को डराते नहीं, और वो भी किसी से नहीं डरते, मैंने देखा। तो जो किसी से डरता नहीं है, किसी से परेशान नहीं होता है, या वो किसी को परेशान नहीं करता है और किसी को डराता नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज, उनके पिता से तो
ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के सब कांपते थे, सभी देवता सिर्फ ऐसा भोरे उठा देते तो इंद्र पिशाब कर लेता था। तो ऐसे थे हिरण्यकश्यप, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन लेकिन वो डर जाते थे। लेकिन 5 साल का बच्चा नहीं डर रहा था उनसे, ना उनको डराने की कोशिश कर रहा था, ना वो किससे डरते हैं ना किसी को डराते हैं। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै ही मुक्तो यह सच मे प्रिय। हर्ष यानी खुशी, अमर्ष यानी दुख, डिस्ट्रेस, भय उद्वेग, भय और उद्वेग, इन सब चीजों से मुक्त है। ऐसा नहीं कि देखो आपको 1 करोड़ रुपए का लॉटरी मिल गया, वाह क्या बात है, ऐसा नहीं कि बहुत खुश हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बहुत बड़ा पद मिल गया, आपको बहुत बड़ा कुछ ये मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा। अरे आपका 1 करोड़ रुपए लॉस हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग, इन सब चीजों से मुक्त जो ऐसा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। भौतिक स्थितियों से वो विचलित नहीं होता है, वही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। अनपेक्ष सुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनपेक्ष सुचिरदक्ष, अनपेक्ष अपेक्षा यानी अपेक्षा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट करना, इच्छा नहीं एक्सपेक्ट करना। देखो मैंने आपको आपके लिए इतना कुछ इतना किया तो आप भी आपको भी कुछ करना चाहिए ना मेरे लिए, ऐसा बोलते नहीं लेकिन सोचते हैं। एक्सपेक्टेशन, वो किसी से अपेक्षा नहीं करता, अनपेक्षा शुचि ही यानी स्वच्छ, स्वच्छ रहते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। दक्षा, दक्ष का मतलब होता है क्या, कोई भी काम करने में सक्षम, सक्षम एक्सपर्ट इंग्लिश। जैसे अगर आपको कोई भी काम हो गया, किसी काम का नहीं आदमी है, ऐसा नहीं कोई आदमी बहुत काम का है बोलते ना, काम जो कर पाना। उदासीनो दक्ष, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हर काम में दक्ष होता है, ऐसा नहीं है, पर कुछ ना कुछ काम में तो दक्ष होना चाहिए ना हर व्यक्ति को। हो सकता है आप अच्छा संगीत नहीं जानते हो, गा नहीं पाते हो, लेकिन सब्जी यानी खाना बना सकते हैं। हो सकता है कि खाना नहीं बना पाते हो लेकिन अच्छा शास्त्र जानते हैं, प्रवचन दे सकते हैं। हो सकता है वो नहीं कर पाते हो, कुछ तो कर पाता होगा कोई व्यक्ति, उसमें दक्ष। उदासीन, उदासीन का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन। बीजेपी जीत गया अच्छी बात है, बीजेपी हार गया ठीक है भगवान की इच्छा। या फिर कुछ भी हो जाता, उदासीन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। अरे यार कितने MLA अशोक गहलोत के पास है, कितने MLA इनके पास है, अभी कौन सा तख्ता पलट होने वाला है, हाँ हर मिनट टू मिनट मुझे अपडेट चाहिए, इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, उदासीन। गतव्यथा, गतव्यथा क्या मतलब, व्यथा, व्यथा यानी दुख, गतव्यथा यानी दुखी नहीं होता है, व्यथा यानी बहुत दुखी, चिंता दुख, दुख से मुक्त है। और सर्व आरंभ परित्यागी, आरंभ यानी शुरू, शुरुआत, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी शुरुआत नहीं करता है, सर्व आरंभ परित्यागी, अपनी इंद्रिय के लिए कोई भी शुरुआत नहीं करता है, किसी भी कार्य को आरंभ नहीं करता है। जैसे प्रचार कार्य भी मान लो भक्ति में, ऐसा नहीं कि वो खुद से जाके प्रचार करेगा, लेकिन कोई आज्ञा देता है, उनके गुरु की आज्ञा से वो जाके प्रचार करेगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए
बंदे में कीर्तन करते हैं ना, तो ऐसा रहता है कि सबसे पहले मैं कीर्तन करूँगा या सबसे पहले मैं आगे जाऊँगा, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं करता कोई, अगर बोलेगा प्रभु जी आप कीर्तन करो तो तब कीर्तन, या कोई नहीं है करने वाले तो करते हैं ऐसा, है ना। सर्व आरंभ परित्यागी, ऐसा नहीं कि हम आरंभ नहीं करते, यानी अपनी अपनी तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, अपने अंदरी तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, भगवान की सेवा में कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 लोग हैं, मान लो 10 भक्त हैं, सबको गाना आता है, तो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी क्या होता है, जो पहले शुरुआत करे वो गाए, तो मैं पहले शुरू, तो आराम इंद्रिय तृप्ति होता है सब। लेकिन जो अच्छे भक्त होते हैं ऐसा नहीं, ठीक है, अगर कोई बोलते हैं या किसी को सिखाने के लिए वो भी हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान की सेवा के लिए होता है, अपने लिए कुछ शुरू नहीं करता। भगवान की सेवा के लिए कुछ भी शुरू कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने कितना कुछ शुरू किया, इसको हम तो प्रभुपाद जी ने शुरू किया ना, लेकिन वो शुरू अपने लिए नहीं किया, वो प्रभु भगवान के लिए किया। भगवान के लिए कुछ भी शुरू कर सकते हैं अपने लिए। यो मत भक्त समय पर, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग ए बिग बिल्डिंग रिक्वायर्स ग्रेट एनर्जी and a devotee does not take such business if it does not benefit him by advancing his devotional service. तो एक बिल्डिंग बनाना, अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करता है तो भक्त नहीं, वो काम नहीं करता है। कोई भी चीज भक्ति में मदद करता है तो करता है ऐसा। He may construct a temple for the Lord and for that he may take all kinds of anxiety, but he does not construct a big house for his personal relations. Yona hrishyati na dveshti naso chatine kaanchati subha subha parityagi bhakti manya same priyaha yona hrishyati na hrishyati yani khush nahi hota hai, खुश नहीं होता है। ऋष्यति यानी खुश होना, न द्वेष्टि, द्वेष्टि यानी द्वेष करना, द्वेष द्वेष करना, व्यक्ति को द्वेष करना या स्थिति को द्वेष करना, न सोचति शोक नहीं करता है, न कांक्षति इच्छा नहीं करता है, कांक्षा यानी इच्छा, शुभ अशुभ परित्यागी। हाँ, कई बार कर्मकांडी लोगों में रहता है ये सब, ये शुभ है, ये शुभ मुहूर्त है, ये अशुभ मुहूर्त है, ये अभी ग्रहण है तो अशुभ है ना, बोलते हैं ना, ये आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है तो बहुत अशुभ है ना, और आज सोमवती अमावस्या है तो बहुत शुभ है, या आज पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ है, या फिर बिल्ली सामने आए तो अशुभ है, सामने गाय आए तो शुभ है। तो भक्त के लिए ये सब नहीं होते, शुभ अशुभ परित्यागी, उसको शुभ और अशुभ से कोई, क्योंकि अपनी ये सब शुभ शुभ अशुभ किसके लिए होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है ना, उसको तो ये फर्क ही नहीं पड़ता है। जिसको दिव्य चेतना में है वो तो हर स्थिति भगवान की सेवा के लिए, जो अशुभ है वो भी शुभ है, क्योंकि उस समय पर भगवान की भक्ति करोगे तो वो सबसे शुभ हो जाएगा। ग्रहण तो अशुभ है ना, उस समय पर भक्ति करोगे तो सबसे ज़्यादा फल मिलेगा, राइट। तो अच्छी अच्छी समय पर भी भक्ति करोगे तो भी अच्छा फल मिलेगा, सो भक्त के लिए इट डजंट मैटर, है ना। लेकिन कोई भौतिक कार्य आप कर रहे हो तो वहां वो सब विचार करना पड़ेगा। अगर आपको दिव्य श्रद्धा नहीं है, आपको भौतिक श्रद्धा है, तो दिव्य श्रद्धा को अनुकरण नहीं कर सकते, आप अपने लेवल के हिसाब से चलना हो। अगर मान ली कोई घर गृहस्थी में है, हम तो दिव्य श्रद्धा में रहेंगे बोल के कृत्रिम रूप से अगर वो अनुकरण करने की कोशिश करेगा तो टिक नहीं पाएगा। तो वो दिव्य श्रद्धा ऐसे चुटकी बजा के नहीं आता है, बहुत समय का साधना भक्ति करने से धीरे धीरे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, वो लेवल पर पहुंचेगी। सब सुनने के बाद भी ऐसा नहीं कि अभी सुन लिया तो अभी दिव्य श्रद्धा आ जाएगी हमारे अंदर, ऐसा नहीं होता है। हमको पहले साधना भक्ति करनी होगी अच्छा से, यानी भगवान के नाम का जप, कीर्तन, ग्रंथ अध्ययन, भक्तों का संग, ये सारे नियमों को अच्छे से पालन करना होगा। साधना भक्ति के गुरु के मार्गदर्शन में सब करते करते क्या होगा, धीरे 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 हमारा श्रद्धा विकसित होता रहेगा।
जैसे हमारा श्रद्धा विकसित होगा तो हम और आगे बढ़ेंगे, और हमारी धीरे 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 क्या होगा, भौतिक चीज़ों पर हमारा विश्वास घटते घटते घटते, भगवान पर विश्वास बढ़ते 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 एक स्टेज आएगा जब हम और कोई इच्छा नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत समय लगता है उसके लिए। ठीक है, तो ये भक्तों का लक्षण है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्य निन्दास्तु तिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र दोनों के लिए समान। हम हमेशा यही सोचते हैं ना, ये मुझे सपोर्ट करता है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करता है, वो मेरा विरोधी है, वो मुझे खींचने के लिए कोशिश करता है, ये मुझे सब अच्छा है ये हमारा विचार है। प्रहलाद महाराज तो पहले ही बोलते हैं ये शत्रु और मित्र वाला चीज़ मुझे समझ में ही नहीं आता है। टीचर लोग पढ़ाते हैं, शंड और अमर्क जो उनके गुरु थे वो पढ़ाते हैं, पूरा पॉलिटिक्स का मतलब ये है शत्रु और मित्र। ये मेरा शत्रु, वो ये मेरा मित्र है, मुझे सपोर्ट करेगा, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा खिलाफ, उसको कैसे हटाएं, इसको कैसे बढ़ाएं, कितने लोगों को अपने पार्टी में ज़्यादा लोगों को कैसे लाएं और उसकी पार्टी को कैसे खत्म करें, यही पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। तो लेकिन भक्ति तो इसका पूरी तरह खिलाफ, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र भी नहीं। जिसको आप शत्रु समझते हैं वही आपका मित्र बन जाता है, जिसको आप मित्र समझते हैं वही शत्रु बन जाता है। तो सब शत्रु च मित्रे च, दोनों के लिए विषय है। किसी को शत्रु नहीं मानता, असल में भक्त जो है अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। कोई अपने आप से शत्रु मान लिया तो बात अलग है। दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज ने कभी शत्रु नहीं माना, लेकिन वो मान लिया कि युधिष्ठिर महाराज अपने शत्रु हैं, तो उनकी प्रॉब्लम है। तथा मान अपमान, मान और अपमान में भी समान। ठीक है, जैसे शिवजी को क्या हुआ दक्ष यज्ञ में, शिवजी को अपमानित किया ना दक्ष जी आए, दक्ष यज्ञ में नहीं ब्रह्मा जी का सभा में, पहले दक्ष यज्ञ बाद में होगा, तो सभा में दक्ष प्रजापति आए, सब खड़े हो गए, सभी प्रजापति सब खड़े हो गए एक्सेप्ट दो लोग, ब्रह्मा और शिव। ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, मानते हैं, दक्ष तो मानते हैं वो ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, सब सबके परम पिता हैं, तो इसलिए वो नहीं खड़े हो, कोई बात नहीं। अरे ये शिव तो मेरा दामाद है, उनकी बेटी सती से विवाह किया ना शिव जी को, मेरा दामाद है, असल में उससे शादी करवाना ही नहीं चाह रहा था मेरी बेटी को, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए करवाया, और उसको इतना भी अकल नहीं है कि खड़े होना चाहिए। अपमान फील किया, सिर्फ उसे वो खड़े नहीं हुए, जानबूझ के कोई अपमानित नहीं किया शिव जी ने, वो अपने ध्यान में बैठे थे, वो उनको कोई मतलब नहीं, बेचारे वो ऐसे ही बैठे थे, खड़े नहीं हुए, बोल के ये अपमानित फील कर लिया, और फिर डांटने लगा सबके सामने, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इसलिए मैं शाप देता हूँ, अपने आप से शाप भी दे दिया कि तुमको यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, कोई यज्ञ का यज्ञ भाग सभी देवताओं को मिलता है, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा करके शाप दे दिया। शिव जी ने क्या किया, बोले अभी अभी ये और ज़्यादा अपराध करेगा, चुपचाप उठ के चले गए वहाँ से, कुछ नहीं बोले, मान अपमान से कोई मतलब नहीं। बाद में जब सती देवी उनकी यज्ञ में गई और वो अपमानित फील करके वो अपने शरीर छोड़ दी, तो तब शिव जी को गुस्सा आया, तब वो अपने बाल निकाल के उससे वीरभद्र को प्रकट किया और पूरा यज्ञ को तहस नहस कर दिया, उसका सर काट दिया और बकरे का सर लगा दिया। वो तो वो भी बाद में लगता है जब शिव जी को प्रार्थना करते हैं सभी देवता हैं। तो शिव जी अपने मान अपमान से कोई मतलब नहीं, लेकिन सती देवी क्योंकि शरीर छोड़ दी तब मतलब उनको, तो ऐसा तो मान अपमान से कोई मतलब नहीं। शीत उष्ण सुख दुख समान, शीत उष्ण सुख दुख इन सब में समान।
संग विवर्जित है, संग आसक्ति को छोड़ो। फिर तुल्य निंदा स्तुति ही, कोई निंदा करे या स्तुति करे, तुल्य है एक साथ। मौनी, मौनी का मतलब क्या है? शांत है, बात नहीं करता है ज्यादा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि बात नहीं करता है। प्रभुपाद जी तो सबसे ज्यादा बात करते थे, तो प्रभुपाद जी के इतने बोलते थे कि उनके 24 घंटे में शायद 20 घंटे तो बोलते ही थे, एग्जैगरेट कर रहा हूँ, लेकिन उनके लेक्चर्स, मॉर्निंग वॉक चलते चलते भी बोलते थे, वो भी रिकॉर्डेड है। कन्वर्सेशन कोई भी आते गेस्ट बात करते थे, वो भी रिकॉर्डेड है हर चीज, मतलब। लेकिन भगवान के बारे में सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के फालतू के बातें नहीं करते। तो मौनी संतुष्ट हो यह न कहनाचित, संतुष्ट यह न कहनाचित मतलब विद एनीथिंग, जो भी आए, अरे मैं इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना सीनियर डिवोटी हूँ, मुझे सिर्फ आप रोटी खिलाओगे, रसगुल्ला नहीं खिलाओगे तुम मुझे? सर ये ना कहने से, जो कोई रोटी खिलाएगा, कोई रसगुल्ला भी खिला देगा, कोई छप्पन भोग खिलाएगा, कोई बस एक दिन तो कुछ नहीं मिलता है। उसी प्रकार से कभी कुछ मिलता है, कभी बहुत कुछ डोनेशन आ जाता है, कभी कुछ डोनेशन नहीं मिलता है, तो बहुत मुश्किल से मंदिर का गुजारा होता है। कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ मिले ना मिले, शिष्य बने ना बने, मंदिर बहुत बड़ा बने ना बना पाए, कोई बात नहीं। ऑफकोर्स भगवान के लिए तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मिला तो ऐसा नहीं, संतुष्ट जो मिला, भगवान की यदृच्छा लाभ असंतुष्ट हो, पहले भी बताते हैं, पहले एक अध्याय में शायद, पता नहीं कौन सा अध्याय में, जो अपने आप से जो लाभ मिलता है अपने आप से, उसमें संतुष्ट। लेकिन भगवान की सेवा में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा में कोई प्रभुपाद जी संतुष्ट नहीं थे। 10 सेंटर बने, 20 बनाओ, 20 बने, 40 बनाओ, 40 बने, 80 बनाओ, 80 अभी 700 बने, अरे हर गांव में करो, संतुष्ट ऐसे संतुष्ट नहीं होते, लेकिन अपने लिए संतुष्ट ऐसा। अनिकेत, अनिकेत यानी निकेत, जिसका कोई घर नहीं है उसको अनिकेत बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का नाम होता है अनिकेत, अनिकेत का मतलब निकेतन, निकेतन किसको बोलते हैं, अपना घर है ना, निकेत यानी घर, निकेतन घर, अनिकेत यानी जिसका कोई घर नहीं, शांति निकेतन यानी जिस घर में शांति है, इसका मतलब निकेतन। उसी प्रकार श्री निकेतन भगवान का नाम है, श्री यानी लक्ष्मी देवी का घर कहाँ, भगवान के छाती पे है ना, इसलिए भगवान का नाम क्या है, श्री निकेतन, यानी श्री लक्ष्मी देवी का घर है उनका शरीर, तो इसलिए अनिकेत यानी इसका कोई घर नहीं, स्थिर मति, इसका मति बहुत स्थिर है, स्थिर बुद्धि, भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसे भक्ति वा, ऐसे व्यक्ति, ऐसा मेरा भक्त जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। और आखिरी में बोल रहे हैं सबसे अति प्रिय कौन है, ये तो धर्मामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत् परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। अतीव, अति, अति, अतीव, बहुत 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 प्रिय है कौन, ये इदं धर्मामृतम, ये जो धर्मामृत जो मैंने अभी आपको बताया अर्जुन, यथोक्तम, यथा उक्तम, उक्तम मतलब बोला गया, यथा मतलब जैसे, जैसे मैंने बोला, जैसे बोला गया, पर उपासते उसको उपासना करते हैं, श्रद्धा धाना इसके अंदर श्रद्धा है, मत परमा जो मुझे ही परम गति मानते हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, जिसको श्रद्धा है और जैसे मैं बोला वैसा उसको उपासना करते हैं, उस मैंने जैसे अभी आपको समझाया वैसे उसको समझते हैं और उसी की उपासना करते हैं, उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, भगवान ने जो बोला उसको फॉलो करने का जो प्रयास करते हैं,
श्रद्धा के साथ और मुझे ही अपने लक्ष्य बनाते हैं, वो मुझे अति अति प्रिय है। मतलब ये पहले सारे क्वालिटीज, इसका मतलब क्या है? अभी मान लो पहले से इतने सारे क्वालिटीज का बताया, उसमें एक भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं है मेरे अंदर, है ना? तो फिर मैं भगवान को प्रिय नहीं बन सकता हूँ क्या? बन सकता हूँ, वही यहाँ बता रहे। क्या करना उसको? यथोक्तम पर्युपासते, यानी जैसे मैंने, जैसे भगवान ने बताया उसको फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। ये सारे लक्षण डेवलप करने की प्रयास करना चाहिए। भगवान चाहते हैं, भगवान को ये सब प्रिय हैं, ये सारे लक्षण भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए वो लक्षण हम डेवलप करने की कोशिश करें और उन लक्षणों के माध्यम से भगवान की सेवा करने का प्रयास करें। ऐसे सोचकर इस भगवद गीता में जो भगवान ने बताया उसको फॉलो करने का जो प्रयास करता है श्रद्धा के साथ, भगवान के ऊपर श्रद्धा के साथ, और भगवान को ही परम लक्ष्य मानता है, भले उनके अंदर वो सारे क्वालिटीज अभी ना हो, वो भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ये यहां पर इन दिस चैप्टर फ्रॉम वर्स 2 टू द एंड मय्यावेश्य मनोयेमाम द सुप्रीम लॉर्ड हैज एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस फॉर अप्रोचिंग हिम। Such processes are very dear to the Lord, and He accepts a person engaged in them. The question of who is better, one who is engaged on the path of impersonal Brahman or one who is engaged in the path of deep service of the Supreme Personality of Godhead, was raised by Arjuna, and the Lord replied to him so explicitly that there is no doubt that devotional service of the Personality of Godhead is the best of all processes of spiritual realization. In other words, in this chapter it is decided that through good association one develops attachment for pure devotional service and thereby accepts a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant and observe the regulative principles of devotional service with faith, attachment and devotion, and thus becomes engaged in the transcendental service of the Lord. This path is recommended in this chapter. Therefore, there is no doubt that devotional service is the only absolute path for self-realization, for the attainment of the Supreme Personality of Godhead. The impersonal conception of the Supreme Absolute Truth, as described in this chapter, is recommended only up to the time, only up to the time one surrenders himself for self-realization. In other words, as long as one does not have the chance to associate with a pure devotee, the impersonal conception may be beneficial. In the impersonal conception of the Absolute Truth, one works without fruitive result, meditates and cultivates knowledge to understand spirit and matter. This is necessary as long as one is not in the association of pure devotee. Fortunately, if one develops directly a desire to engage in Krishna consciousness in pure devotional service, he does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. Devotional service, as described in the middle six chapters of the Bhagavad Gita, is more congenial. One need not bother about materials to keep body and soul together, because by the grace of the Lord, everything is carried automatically. Carried out automatically. Yeah, kya bol rahe? Prabhupada ji bata rahe? कि निराकार ध्यान किन के लिए है? जिनको शुद्ध भक्त का कृपा नहीं मिला, शुद्ध भक्त का कृपा जिसको नहीं मिला, उनका संग जिनको नहीं मिला, उनके लिए वो कुछ बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनके लिए उसकी